सब्सक्राइब कीजिए मोहम्मद बिलाल सैफी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल सैफी में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से जीमेल की, गूगल की और यूट्यूब की आईडी, मतलब गूगल की किसी भी तरह की आईडी आप कैसे लॉग आउट या हटा सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आपका बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इसको जीमेल से लॉग आउट करना चाहें तो उसको कैसे करते हैं तो देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद आपको इधर थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर प्राइमरी की तरफ जो लिखा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मेरी आईडी है उसके साइड में एक एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर गूगल बना रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और नीचे आ रहा है दोस्तों रिमूव अकाउंट, तो अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये हट जाती है। तो इसमें तो दोस्तों ऐसे भी हो जाएगी और बहुत से मोबाइल में ये चीज़ नहीं आती है, तो उसमें कैसे की जाती है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होता है और ये ऑप्शन जो वहाँ पे आ रहा था ये सेटिंग में जाके आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। अकाउंट्स में आ गए यहाँ पे, और अब गूगल अकाउंट्स, तो यहाँ पर गूगल अकाउंट में इस आईडी को लॉगिन में देख लेता हूँ तो नीचे आ रहा है रिमूव अकाउंट, तो यहाँ से इसको रिमूव अकाउंट कर देते हैं। तो यहाँ से रिमूव अकाउंट हो जाएगा और ये हट जाएगी। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ से सभी मोबाइल का जो है हट जाता है। तो यहाँ से देखिए, मेरा गूगल की जो आईडी थी वो सारी डिलीट हो गई है। और इसी तरीके से आप बहुत सी आईडी हैं जैसे बनी हुई यहाँ पे मैसेंजर, विडमेट, व्हाट्सएप वगैरह, तो वो भी सब इसी तरीके से यहाँ से रिमूव कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। देखिए, मैं इसको यहाँ से व्हाट्सएप पे क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ गया रिमूव अकाउंट। तो अगर मैं रिमूव करता हूँ तो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर ये हट जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको जीमेल खोल के दिखाता हूँ कि मेरी आईडी लॉगिन है या लॉग आउट हो गई है। तो जीमेल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, डन। और देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जीमेल ऐड करने के लिए कर देते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, प्लीज़ ऐड एट लीस्ट वन जीमेल एड्रेस। तो दोस्तों, इसमें जीमेल एड्रेस अभी है नहीं तो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जीमेल आईडी कैसे बनाई जाती है और उसको लॉगिन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।